कलेक्टर गाय इधर मंच पर हो, नीचे नहीं जाने का। एसपी गाय बुलाओ, एसपी को मंच पे खड़े रहो। सर साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मोदी सरकार समेत बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों का स्पष्ट एजेंडा है कि उसको ब्यूरोक्रेसी रीण विहीन चाहिए, जो उसके सामने न बोल सके न कुछ सोच सके, जितना बताया जाए उतना सर झुका करके अनुपालन कर दे। इसके लिए समय समय पर उसको इस तरह के काम दिए जाते हैं या सार्वजनिक तौर पर उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता है कि उसका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों ही समाप्त हो जाए। उत्तर प्रदेश में सरकारी मशीनरी को भजन कीर्तन में लगाने के बाद हालिया मामला मध्य प्रदेश से आया है, जहां मोदी जी के कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच पर खड़े होकर के इतना बुरा सलूक डीएम और एसपी के साथ कर रहे हैं जैसा कोई अपने चपरासियों के साथ भी ना करता होगा। कलेक्टर क्या है इधर मंच पर हो, नीचे नहीं जाने का। एसपी का है बुलाओ, एसपी को मंच पे खड़े रहो। सर एक एक प्रशासन का आमला, एक एक योजना के लिए के साथ इस गाड़ी के साथ चलेगा। ये प्रचार की गाड़ी नहीं है, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। ये वीडियो मध्य प्रदेश के गुना का है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मोदी जी का गुणगान करने के लिए बीजेपी का मजमा लगा हुआ था। अपने कार्यकर्ताओं में अपना रौब गालिब करने के चक्कर में ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच पर ही मर्यादा भूल गए कि एक आईएएस और आईपीएस से बर्ताव कैसा किया जाता है। वो जिस आईएएस से ये बर्ताव कर रहे हैं वो 2013 बैच के आईएएस हैं अमनवीर सिंह वैस, और वहां के एसपी हैं संजीव कुमार सिन्हा। गुना डीएम से वत्सलूकी के दो अन्य एंगल हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले समझिए कि एक केंद्रीय मंत्री प्रोटोकॉल के तहत कितना उचित बोल रहे हैं। वो डीएम और एसपी से कहते हैं कि मंच पर खड़े रहो। नियम ये कहता है कि किसी भी पार्टी के कार्यक्रम में डीएम और एसपी को मंच पर नहीं रहना है। जरा पूरा मंच गौर से देखिए, कहीं पर भी ये सरकारी आयोजन केंद्र सरकार का आयोजन नजर नहीं आ रहा है, एक पार्टी विशेष का आयोजन लग रहा है। दूसरी बात, मान लिया जाए कि विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है और उसमें कहा गया है कि ब्यूरोक्रेट्स को शामिल करो, मगर यह तो नहीं कहा गया है कि मंच पर खड़े रखना है, बेइज्जत करना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे बढ़ के कहते हैं एक एक प्रशासनिक अमले को एक एक गाड़ी के साथ चलना पड़ेगा, और आगे यह भी सवाई देनी पड़ रही है, यह प्रचार गाड़ी नहीं है, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। क्यों कहना पड़ रहा है कि यह प्रचार गाड़ी नहीं है? सफाई देने का मतलब स्पष्ट है कि हां यह प्रचार गाड़ी ही है, जिसमें ब्यूरोक्रेट से अपनी सरकार का प्रचार प्रसार करवाया जा रहा है, क्योंकि 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है और बीजेपी नेताओं की जुमलेबाजी के चक्कर में लोग भरोसा ही नहीं कर पाते हैं कि नेता सही भी बोल रहा होगा, इसलिए ब्यूरोक्रेट्स का इस मामले में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन नैतिक तौर पर आप खड़े रहने के लिए इस तौर पर बदतमीजी नहीं कर सकते। अब जिन दो एंगलों की मैं बात कर रहा था उसकी भी चर्चा करते हैं। दरअसल गुना के जो मौजूदा कलेक्टर हैं अमनवीर सिंह, उनके पिता इकबाल सिंह बैस शिवराज सिंह चौहान की पिछली सरकार में मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, और पावरफुल चीफ सेक्रेटरी। कहा तो यह भी जाता था कि शिवराज सिंह चौहान के इतने करीबी हैं कि तमाम मंत्रियों को घास भी नहीं डालते। हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कभी घास ना डाली हो, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में जो आंकड़ा है वो आपको भी पता है। हो सकता है पिता के इसी रुतबे से चुड़ते हुए डीएम के साथ ये दुर्व्यवहार किया गया हो। दूसरी बात, ये दोनों पिता पुत्र दलित समाज से आते हैं, मतलब एससी कैटेगरी के हैं, इसलिए अंदर से राजा साहब की सामंती सोच जाग गई होगी।
तुम्हारी इतनी हैसियत कहां हो गई, भले ही तुम्हारे पिता चीफ सेक्रेटरी रहे होंगे लेकिन सरकार हमारी है, तुम हमारे सामने हाथ बांध करके मंच पर ही खड़े रहो। अब तीसरा एंगल, गुना से कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद हुआ करते थे, यहीं की जनता ने उनको हराया था, इसलिए फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में अपना प्रभाव लोगों को दिखा रहे होंगे कि देखो भले ही मैं सीएम नहीं बन पाया, भले ही दो दो बार मूर्ख बन गया, लेकिन मैं इतना पावरफुल हूं कि डीएम और एसपी से इस बदतमीजी से भी बात कर सकता हूं। बहरहाल भले ही आप केंद्रीय मंत्री हो लेकिन आपका पद और प्रोटोकॉल दोनों ही किसी ब्यूरोक्रेट्स के साथ इस तरह का बर्ताव करने की इजाजत नहीं देते, तब तो कतई नहीं देते जब मामला भ्रष्टाचार का या लापरवाही का ना हो। सिर्फ अपना रुतबा जमाने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कतई उचित नहीं कहा जा सकता। ब्यूरोक्रेसी के लिए भी एक नसीहत है जो सामान्य जनता को कीड़े मकोड़ों के से ज्यादा कुछ नहीं समझती कि देखिए यही लोग हैं जो आपको आपकी असली हैसियत बताते हैं, इसलिए जनता के साथ अच्छा बर्ताव करो, जनता आपके साथ खड़ी होगी तो इस तरह के नेताओं को चुनाव में सबक भी सिखाएगी। वरना आपका व्यवहार जनता के प्रति इतना खराब होता है कि जब कोई नेता किसी ब्यूरोक्रेट्स को मंच पर डपटता है तो उसको अंदर से खुशी महसूस होती है, इसलिए कि देखो हमारे सामने अकड़ रहा था, अब इसकी हैसियत नेताजी ने बता दी। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।